लाइव न्यूज खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभु कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24। मैं अभी बीपीएससी टॉपर प्रियांगी मेहता के घर पर हूं और प्रियांगी मेहता के परिवार मेरे पिताजी हैं, उनके पिताजी हैं, उनकी मम्मी है, सब परिवार से मिलेंगे। कुछ माहौल है यहाँ पे, बात करेंगे। आपको विश्वास था कि मेरी बेटी टॉप कर रही थी? 100% श्योर विश्वास था, पूरा विश्वास था। जी हाँ जी हाँ। क्या टॉप का रिकॉर्ड बना रहे थे? हाँ जी, पहले टॉप कर चुकी है, इसलिए आधार पर उनको तो मालूम हो गया था कि इसमें भी टॉप कर सकती है। पहले क्या मतलब जो थ्रू आउट क्लास इंटर स्कूल में भी पढ़ती थी तो टॉप पे आती थी, स्कूल की टॉपर। हाँ, टॉपर आती थी, इसलिए आप लोगों को विश्वास था इस बात का। इंटर में बिहार टॉपर थी, बीएचयू दी थी, वहाँ भी तो टॉपर थी। बीएचयू में टॉप की थी, वो एंट्रेंस एग्जाम में था। अच्छा, बीएचयू के एंट्रेंस एडमिशन के लिए वो टॉप कर गया था, फर्स्ट रैंक आया था, पहला रैंक आया था, पहला रैंक आया था। पढ़ने में बचपन से ही है, सही बचपन से मिला है। अच्छा, ये भी कुछ बच्चे जो होते हैं कि सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस करते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, और कुछ बच्चे तो पढ़ने के साथ साथ खेल कूद सब कुछ में इन्वॉल्व होते हैं। ये सिर्फ पढ़ने को इन्वॉल्व रहती थी या बाकी जो करेक्टर में भी इन्वॉल्व रहती? टोटल काम में इन्वॉल्व रहते हैं, घर के काम कर सकती है, खाना बनाने से लेकर घर का मैंने सरियाना, बर्तन धोना, वो सब कर लेते, बच्चों को खिलाना, पढ़ाना, बातें करना लोगों से, वो सब करते थे। मतलब सेल्फी एटीट्यूड नहीं था? नहीं, सेल्फ एटीट्यूड नहीं था, बातें करना पसंद था, सब एंजॉय था, शादी ब्याह सब सगरो जाती भी थी। क्या बोले? मतलब शादी थी, फंक्शन में जाती थी, जाती थी, सब फैमिलियर थी, सब हां, सब एंजॉय कर, बात करना पसंद था, मुझे इससे बात करती थी। हां हां, परिवार से एक तो है कि पढ़ने में रह जाता है, कहीं जाता नहीं है, वैसा नहीं था उसमें, वैसा नहीं था। अरे कितना खुश हैं आप लोग, मतलब खुशी का तो ठिकाना नहीं है, ठिकाना नहीं है। सुबह से तो सवाल किया जा रहा है कितना खुश है, बहुत खुश है लोगों का, देखिए ना, अंदर नाता लगा हुआ पूरा। आपके यहाँ जो रिलेटिव लोग भी आ गए हैं, पूरे मोहल्ले के हैं, कुशवाहा समाज के लोग भी बहुत आ गए, नेता लोग भी सब बधाई देने के लिए। जी हाँ, लेकिन हमको नहीं लगता कि आपकी बेटी बीपीएससी में रह जाए, जो आप जैसे करेंगे यूपीएससी के भी रिटर्न निकाल चुकी है और इंटरव्यू में शायद उस बीपीएससी में तो हो जाएगा उनका फाइनल शायद। हाँ, उसमें भी हो जाएगा, आपको विश्वास है? बिल्कुल बिल्कुल 100% तो कहा विश्वास है, मतलब दोबारा हम लोग फिर बुला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, घटने वाला थोड़ी है। पढ़ाने में जो है बहुत सारे बिहार का जो मेंटेलिटी है, मानसिकता है लोगों का, सर अर्बन क्षेत्र को छोड़ देते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में और खास करके ग्रामीण क्षेत्र में लोग सुधरे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं कि बेटी को पढ़ाने के नाम पर जो है चाहते हैं कि इसको शादी करके दूसरे घर में भेजना ही है, तो पढ़ाने में थोड़ा कंजूसी करते हैं। तो ये कंजूसी आप में नहीं थी, और दूसरा नंबर है कि जो आदमी कंजूसी करते हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए कहेंगे कंजूसी करने से का आपका बहुत अमीर बन जाइएगा या कुछ ज़्यादा बचा लीजिएगा। कितना बचेगा? कितना बचेगा? अगर बच्चे वही पैसे से बच्चे को एजुकेट कर देते हैं, अच्छे जगह पहुँचा देते हैं, अगर अच्छे मुकाम हासिल कर दे, उससे ज़्यादा को कमा कर दे देगा, आपका समाज में नाम भी होगा, आपका समाज का भी विकास, आपका परिवार का सबका विकास। आप बाजार समिति से हम लोग को एड्रेस खोजने में दिक्कत नहीं हो रही थी, जहाँ वहाँ पर हम लोग पूछने की जरूरत नहीं, गाड़ी पर स्टिकर लगा हुआ, लोग कहते अच्छा पढ़ने के जाने उसके यहाँ जाना है, ऐसे ऐसे करके चले जाइए, ऐसे सिंबल कर रहे हैं, वो सब जानते हैं ना, पूरे एरिया में सबको जानते हैं, ऐसे ही नहीं जानते। टॉप करने से पहले भी जानते थे? पहले भी टॉप, अकेडमी में टॉप करते थे तो सब लोग जानते हैं, मीडिया वाले भी आ चुके हैं पहले, बोल रहा कई बार आ चुके हैं। अच्छा, ये रिजल्ट आपको कब पता चला? ये रात कल रात को 10 बजे सोने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय शायद दैनिक भास्कर का कॉल है, सबसे पहले उसी कंपनी का कॉल आया, तो उसके कॉल प्रॉपर का कॉल आया। हाँ, बोली आपकी बेटी बधाई हो, आपकी बेटी टॉप कर गई है बीपीएससी में। हम करें, हाँ सर, रिजल्ट तो शायद सुनने पे आने वाला है। नहीं, आपको 10 बजे बताया, वो दैनिक भास्कर पर हम लोग 8 बजे के आसपास आया था ना, तो कॉल मेरे पास 10 बजे के, उस समय तक आपको ऑफिशियल उनको जानकारी हुआ होगा ना? अच्छा, ऑफिशियल जानकारी, टॉप ऑफिशियल जानकारी, क्योंकि ऑफिस से तो उसी समय निकला होगा रिजल्ट, रिजल्ट निकालने के बाद भी लोग के पास आया होगा, तो कुछ लोग हो सकता आपस में विचार विमर्श करके कॉल फिर फोन या कलेक्ट किया होगा नंबर, उसके बाद फोन किया, फोन तो मेरा होगा नहीं उनके पास, तो फोन नंबर कलेक्ट करेंगे तब ना फोन करेंगे, ऑफिशियल ऑफिस से फिर नंबर कलेक्ट किए होंगे, उसके बाद फिर फोन किया। ये थोड़ा सा मायने वाली बात है, सेल्फ स्टडी, और उसके बाद है कि टॉप कर दे, और हमेशा एकेडमी में टॉप किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में, बीपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट है ना इसका, फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉप कर गए। अच्छा, चलिए उनकी मम्मी से बात कर दे, पहले ही बात करते हैं, मम्मी से बात करते हैं, माँ है, माँ अपनी बेटी के बारे में ज्यादा जानती होगी, ये आपको पूरा विश्वास था कि मेरी बेटी टॉप कर देगी? टॉप के बारे में विश्वास था कि लग रहा था, शुरू से एकेडमी टॉप करते आ रही है, तो नहीं नहीं सुनता हूँ, आज ही मैं आज ही ना,
विश्वास था कि टॉप कर देगी। पापा बोल ही रहे थे कि टॉप में आ जाएगी। अच्छा आप प्रसन्न रहते नहीं? अभी शादी अब अपने खुद हो गई तो अपने खुद से कर सकते हैं। उनके ऊपर दबाव नहीं होगा? नहीं दबाव नहीं होगा, दबाव नहीं है। कितना मिठाई खरीद चुके हैं आपसे? हाँ मिठाई बहुत ज़्यादा, जो जो लाते हैं क्या निकल रहा है सब मिठाई। ये मम्मी है, मम्मी है ये, और ये आप चाची हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज्यादा खुश है। इसकी अंकल रात से इतना खुश थे कि दिन रात को भी सोए नहीं, दिन को भी नहीं सोए। अच्छा आप लोग जॉइंट फैमिली है? नहीं अलग अलग रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ ही है। अच्छा कितना देर पढ़ती थी प्रिया से? पढ़ती रहती थी, इसको जब भी मन करता था पढ़ती थी, फिर उसके बाद सोई, आराम की, फिर गाली गाना सुनी, अपना पढ़ती भी थी, सोती भी थी, खाती थी बना के खुद से, गाना भी उसको भेज भी, यानी सब कुछ करती खाती थी बना के। हाँ दूसरे लोग को भी खिलाती थी ना, दिन में पढ़ते रहे, मौसी से सबसे बात करना भी उसको पसंद था, मौसी से, मामी से, मामा से, सबसे बहुत लोग से भी बात करती, मतलब ऑन एवरेज 6-7 घंटा पढ़ती रही होगी। हाँ पढ़ती थी, किताबी कीड़ा नहीं बनती थी, साफ माइंड थी। आप कौन हुए? बुआ। आप बुआ हुए, आपको तो और घर, बुआ को तो भतीजी पूरा, और भतीजी, और भतीजी बुआ पर ही जाती है क्या? आप आए मिलने के लिए? आप मतलब पहले से थे? सुबह में आ जाए। आज सुबह में आ पाए? रात में मेरा 10 बजे 10:30 में फोन गया, तो रात में तो आ नहीं सकते थे। अब ससुराल जाएंगे तो बोलिएगा हम भतीजी कलेक्टर बन के लगे। हाँ, पहले से फोन कर दिए सबको, पहले से ही दीदी सबको फोन करके बता दिए तब आइए, सबको मालूम हो गया, मोबाइल पे सब कुछ ऑन करता है और सब कुछ चलाता है, सबको मालूम होगा, बिन बताए ही मालूम हो गया सबको, सबको मालूम है, बिना बताए ही मालूम हो गया। चलिए आपको लगता है कि यूपीएससी, अब यूपीएससी भी पास कर देंगे? यकीन है 100% यकीन है पास कर देंगे, जब यूपीएससी में टॉप है तो यूपीएससी में निकलना ही है। हाँ निकल जाएगा, निकल इस बात तो है कि निकल जाएगा। चलिए आप पूरे परिवार से मिले, प्रियांशी मेहता के परिवार से, प्रियांगी सॉरी प्रियांगी मेहता के परिवार से, जो यहाँ पर खुशी का माहौल है, और स्वाभाविक है कि इस खबर से आप लोग को एक मैसेज ये जा रहा है कि ये बेटी को पढ़ाने में कहीं भी कंजूसी नहीं की, बेटी की जो डिमांड की, जो जैसे पढ़ना चाहिए वैसे पर ये लोग पढ़ाते रहे, और बिहार के लोगों के लिए एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप भी अपनी बेटी को, बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं, अगर बेटी भी नाम कर जाती है तो बेटी भी अपने माँ बाप का ख्याल रखती है, और अपने गाँव समाज अपने देश और राज्य का नाम रोशन करने में, रोशन होता है उसके नाम से, उसे काम करने से, जैसा कि प्रियांगी मेहता ने अपना बीपीएससी में टॉप करके आज अपने राज्य के साथ साथ पूरे देश में नाम रोशन कर रही है परिवार को। मैं शंकु कुमार कैमरा जनरल राजेश के साथ पटना, अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज़ खबर तो पक्की है।